नमस्कार, मैं पवन कुशवाहा आप तमाम दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम स्मरण में स्वागत करता हूं। आज बात होगी फिल्मी दुनिया के मोगेम्बो की, जिनका आज जन्मदिवस है। जी हां, सही समझा आपने। फिल्मी दुनिया में फिल्म शोले के गब्बर सिंह के बाद किसी खलनायक को बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है, तो वह है फिल्म मिस्टर इंडिया के प्रसिद्ध डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ कहने वाले अमरीश पुरी को। फिल्मी दुनिया के जाने माने विलेन अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में बॉलीवुड के सबसे यादगार 70 के दशक में हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखा और पहली फिल्म प्रेम पुजारी में अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। अमरीश पुरी को फिल्मी दुनिया में स्थापित होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय की छाप छोड़ी। फिल्मी दुनिया को जिस अमरीश पुरी की तलाश थी, वह पूरी हुई डायरेक्टर शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में। जिस सुपरहिट फिल्म में मोगेम्बो की यादगार भूमिका के जरिए दर्शकों के जहन में बस गए, अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों के साथ हॉलीवुड की फिल्मों में भी यादगार रोल किया। अमरीश पुरी ने अपने जीवन काल में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनके अभिनय से सजी कुछ यादगार फिल्में हैं निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, दामिनी, गदर, नायक, करण अर्जुन जैसी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में काम किया, तो अमरीश पुरी को सदी की सबसे बड़ी फिल्मों में काम करने का गौरव भी मिला। उन्होंने शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी बाबूजी का यादगार रोल निभाया। अमरीश पुरी ने अपने अभिनय का जादू लंबे समय तक फिल्मी दुनिया में बरकरार रखा। अपने फिल्मी जीवन में हर दर्शक वर्ग के लिए यादगार रोल किया। जितना दर्शक उन्हें खलनायक के लिए याद करते हैं, उतना ही चरित्र भूमिकाओं में दमदार रोल के लिए याद करते हैं। अमरीश पुरी का जन्म 20 जून 1932 को नवांशहर पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम निहाल सिंह पुरी तो माँ का नाम वैद कौर था। बड़े से भरे पूरे परिवार में अमरीश पुरी को ही बड़ा शौक था अभिनय का। अनंत 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से फिल्मी दुनिया के मोगेम्बो अमरीश पुरी का दुखद निधन हो गया। उनके अचानक हुए निधन से फिल्मी जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में जिंदा है। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम स्मरण, और मिलते हैं ऐसे ही किसी खास हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।